सोनोटेक कैसेट्स। आलाख निरंजन, आलाख निरंजन, आलाख निरंजन। क्या राजमहल में भिक्षुक को भिक्षा देने वाला भी नहीं? कौन कमबख्त आ गया? मेरा पति व्रत धर्म से ध्यान हटा दिया? कौन हो तुम? घर घर आलाख जगाने वाले हम साधु सन्यासी हैं माई। मेरे पति व्रत धर्म में विघ्न डालने वाले भिखारी, चले जाओ यहाँ से। भिक्षा वाले ही मत दो, पर भिक्षुक का अनादर मत करो माई। अलग शगाने से कभी किसी का धर्म नष्ट नहीं होता। प्रवचन देने की कोशिश मत करो भिखारी, वरना कैद खाने में डलवा दूंगी, सड़ सड़ कर मर जाओगे। चले जाओ यहाँ से। साधु का अनादर करने वाली अज्ञान पत्थर तारानी, आज के बाद तुम्हारा पत्र धर्म ही नष्ट हो जाएगा। याद रखना माई, साधु का दिया श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। जा, चला जा, तेरे जैसे ढोंगी साधु यहाँ रोज कितने ही आते हैं। जा, जो होगा देखा जाएगा। महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी। महारानी जी। महाराज, तुम इस राज्य की राजरानी हो और आप मेरे जीवन की खुशियां, इस राजमहल के महाराज हैं। प्रिय जी। महाराज, ये जीव के जन्म जन्मांतरों के पिछले संस्कारों के अनुसार जीव का देह धारण करते समय ही संयोग हो जाता है, चाहे वो भाई का भाई के साथ अथवा पति पत्नी के रूप में। महारानी जी। महाराज, राजकाज में मेरा समय बहुत ही व्यस्त रहता है, तुमको राजमहल की देखभाल करनी है महारानी। आप चिंता ना करें महाराज। बांदी जी। महारानी, नए सेनापति से मर्दाना और बहादुर हमारे राज्य में दूसरा कोई इंसान नजर नहीं आता बांदी। हाँ, सेनापति ने कभी किसी से हार नहीं मानी महारानी। महारानी, कई रोज से कुछ खोई खोई विचारों में लीन रहती हो, क्या बात है महारानी? क्या बताऊं बांदी? बताओ महारानी, बताती बताती कैसे चुप हो गई? किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं महारानी। राज खुलना नहीं चाहिए? पानी में रहकर मगर मच्छ से बैर। महारानी, आपसे और महाराज से बढ़कर हमारा इस दुनिया में और कौन है? ये राज महाराज से छिपा कर रखना है। ठीक है महारानी। अगर बांदी राज खुल गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा बांदी। हरगिज नहीं, आप निश्चिंत रहिए महारानी। जब से अपनी बहादुरी के बल पर सही सेनापति बने हैं, तब से मेरा मन डामाडोल सा रहता है। क्यों महारानी? ना जाने क्या हो गया, सेनापति से मिलने की लालसा रहती है और दिल बड़ा ही बेचैन रहता है बांदी। क्या मतलब महारानी? राज्य के एक मामूली कर्मचारी सेनापति से मिलने की लालसा? हाँ बांदी, दिल में बड़ी ही बेकरारी रहती है। गंगा जी कभी उल्टे पहाड़ नहीं चढ़ा करती महारानी? हमारे आदेश का पालन नहीं करोगी क्या बांदी? आपके आदेश का पालन करना तो बांदी का फर्ज और कर्तव्य है महारानी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम शीघ्र सेनापति को मेरे महल में लेकर आओ। गैर मर्द सेनापति को जनाने महल में बुला रही हो महारानी? यहाँ तो महाराज भरतरी के सिवाय किसी मर्द मानस को आने का अधिकार ही नहीं है। तुम मेरे हृदय की पीड़ा नहीं समझ रही हो बांदी? मुझे तो डर लग रहा है महारानी, अगर महाराज को इस राज की भनक भी लग गई तो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। लो, जाती हूँ महारानी।
प्रणाम। प्रणाम बांधी, क्या आदेश लेकर आई हो? सेनापति जी, आपको महारानी ने महल में याद किया है। मुझे महारानी ने याद किया है? जी सेनापति जी, अभी और इसी वक्त याद किया है। शीघ्र चलता हूँ, चलिए बांधी। महारानी प्रणाम। प्रणाम सेनापति जी, आइए विराजिए। अपने सेवक को कैसे याद किया महारानी? दिल नहीं लग रहा था सेनापति जी, मैंने सोचा दिल लगाने के लिए सेनापति जी को बुलवा लिया जाए। जिस महल में सैकड़ों राज कर्मचारियों की चहल पहल रहती हो, वहाँ आपका दिल नहीं लगता, बड़े गजब की बात है। क्यों व्यंग कर रही हैं महारानी? ये व्यंग का विषय नहीं है सेनापति जी, जो मैं कह रही हूँ वो सच और बिल्कुल सही है। मैं आपके महल का एक मामूली सा नौकर हूँ, महारानी नौकर से दिल बहलाओगी क्या? हाँ, मैंने यही सोचा था कि सेनापति के साथ चौपड़ सार खेलने में आसानी से वक्त कट जाया करेगा। सेना का भी ध्यान करना है महारानी, सब देखा जाएगा। अगर कोई काम खराब हो गया तो महाराज भर्तृहरि नाराज हो जाएंगे महारानी जी। चिंता ना करिए सेनापति जी, महारानी पिंगला के होते हुए कुछ नहीं होगा। बहुत वक्त हो गया महारानी, मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, कोई काम देख लूं? तबीयत लग रही है। महाराज भर्तृहरि आ गए तो क्या होगा, चलता हूं महारानी। ठीक है, चले जाओ। और सुनो, कल इसी वक्त बिना सूचना के महल में आ जाना। ठीक है, प्रणाम महारानी। प्रणाम सेनापति जी। महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी, हमारे राज कर्मचारी नौकर चाकर सही काम कर रहे हैं? जी महाराज, काम काज की तो आप चिंता ही ना करिए, सब ठीक ठाक चल रहा है। मुझे यही भरोसा है कि महारानी पिंगला की देखरेख में सब काम ठीक ही चलेगा। प्रणाम महारानी जी। प्रणाम सेनापति जी, आओ आओ सेनापति जी। आपके आदेश का पालन तो करना ही था महारानी जी। अपनी भाषा शैली में अब कुछ परिवर्तन कर लो सेनापति जी। परिवर्तन? क्या परिवर्तन? कैसा परिवर्तन महारानी? हाँ सेनापति जी, आदाब मत बजाया करो। आप राजमहल की महारानी हैं, ये तो हम नौकर चाकरों का अदब है। अगर हम आपको और महाराजा भर्तृहरि को अदब नहीं बजाएंगे तो हमारा सेवक होने का दर्जा ही समाप्त हो जाएगा। अब ये सब कुछ भूल जाओ सेनापति जी, महारानी पिंगला आपको बराबर का सम्मान देना चाहती है सेनापति जी। महारानी, कल से अब तक मैं ये नहीं समझ पाया कि आप चाहती क्या हैं? ये कोई पहेली नहीं है सेनापति जी, जिसे कोई विरला ही समझ पाएगा। एक सुगंधित फूल की कोमल कली अपने स्वरूप में आना चाहती है सेनापति जी। आप तो मुहावरेदार भाषा के चक्कर में डालकर मुझे कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करने दे रही हो महारानी। अब भी नहीं समझे सेनापति जी? तुम पर मेरा दिल आ गया है सेनापति जी। हैं? अश्लीलता के दलदल में फंसाकर महारानी मुझे इल्जाम के उस मोड़ पर खड़ा करना चाहती हो जहां से मैं निकलने में विवश हो जाऊं। मेरा मन भ्रम के जाल में उलझता जा रहा है। यकीन करो सेनापति जी, राजा और रंग का अंतर मुझे यकीन की सतह तक नहीं पहुंचने दे रहा है महारानी। कैसे यकीन होगा? सौगंध उठाने से। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मेरा बेईमान मन आपको चाहता है सेनापति जी। मैं आपसे जी भर कर प्यार करना चाहती हूँ, बस प्यार करना चाहती हूँ। प्यार की इस मंजिल में कहीं धोखा तो नहीं होगा? कभी नहीं। अब मुझे यकीन है महारानी। मन में कोई शंका रह गई हो तो बताओ। कोई शंका नहीं, अब मुझे तुम पर पूरा विश्वास और भरोसा है महारानी। दिल बहलाओगे ना? अब इस सेनापति की जिंदगी आपके हवाले है महारानी। मेरे तड़पते दिल की प्यास बुझाने वाले,
मेरी खुश नसीबी जिंदगी के जलते चिराग, मेरी मोहब्बत की हविस के शिकार, आओ आओ मेरे दिल पर चकोरी के चमकते चांद आओ। कहाँ?
इन प्यार की रंगीन बहारों में और मदमस्त हवाओं के झोंकों में मैं सब कुछ भूल चुका हूँ महारानी। आओ 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 मेरी बाहों में आओ ना। भरले प्यार से सैया मुझे अपनी बाहों में, भरले प्यार से सैया मुझे अपनी बाहों में, कब से तड़प रही थी जानम प्यार की राहों में। अपने आगोश में क्या मेरे हर गम को भुलाओगी, इश्क के जुनून में क्या मुझे अपना बनाओगी। अपने कजरारे नैनों से नैन मिलाकर मिसले हूर क्या मुझे अपने सीने पर सुलाओगी। मैं अपने सुहाग की सौगंध खाकर कहती हूँ प्रियवर, तुम्हारे प्यार की दीवानी पिंगला जीते जी तुम्हें छोड़कर दूसरा रास्ता नहीं अपना सकती। भाभी जी, ओ भाभी जी, जरा अपने आशिक दीवाने की भी सुन लीजिए मेरी जानमन। हैं? भाभी जी किससे बातें कर रही हैं? कहो प्यारे। अगर नजर मुझसे मिलाओगी, अगर नजर मुझसे मिलाओगी तो दौलत ईमान दे दूंगा, जरा भी दिल से मुस्कुराओगी मेरी जानम कसम से तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। यह आवाज भ्राता भरतरी की तो नहीं है? फिर कौन है जनाने महल में जो भाभी श्री से अकेले में बातें कर रहा है? भाभी जी दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटाकर कौन आवाज दे रहा है? हैं? महारानी जी, ये तो आपके देवर विक्रम जैसी आवाज लग रही है। बिल्कुल सच ही कह रहे हो, विक्रम स्कूल से पढ़कर आ गया। अब क्या किया जाए महारानी? एक काम करो, तेजी से पिछली खिड़की से निकल जाओ। कहाँ से? इधर से। इधर से? हाँ हाँ, जल्दी करो। ठीक, जल्दी करो सेनापति। मैं जाता हूँ महारानी। कमबख्त इतने ही आ गया। भाभी जी प्रणाम। प्रणाम विक्रम, आज तो बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई स्कूल की। नहीं भाभी जी, छुट्टी तो रोजाना की तरह से ही अपने टाइम पर हुई थी। विक्रम, जनाने महल में चुपचाप अचानक मर्द मानस का आना ठीक नहीं है। क्यों भाभी जी? क्योंकि जनाने महल में कोई स्त्री नहाती हो, खाना बनाती हो, खाना खाती हो या नंगी उघाड़ी सोती हो। इसीलिए तो मैं हमेशा ही दरवाजा खटखटा कर आया करता हूँ। हाँ, लेकिन जनाने महल में अकेले में आप किससे बातें कर रही थीं? यहाँ तो दूसरा कोई नहीं था विक्रम। कोई ना कोई मर्द मानस अवश्य था भाभी जी। विक्रम, तुम कहने क्या लगे, यहाँ तो कोई मर्द मानस नाम की चीज भी नहीं थी। यदि कोई नहीं था तो आप किससे बातें कर रही थी भाभी जी? विक्रम, तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं भाभी। किसी पर झूठा इल्जाम लगाना अच्छा नहीं होता विक्रम, झूठ बोलना सीखने लगे हो क्या? मैंने स्वयं अपने कानों से आपसे बातें करने वाले मर्द मानस की आवाज को रह रह कर सुना है, मेरे कान धोखा नहीं दे सकते भाभी श्री। चुप रहो विक्रम, मैंने एक माँ की तरह से तुम्हारा पालन पोषण किया है और तुम मुझ पर ये बदनामी का कलंक लगाना चाहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए विक्रम। सच्चाई का दर्जा आपसे रिश्ते से बढ़कर है भाभी जी, आप मुझे धमकी देकर ये राज छुपाना चाहती हो। मैं आपकी धौंस और दाव में आकर सच्चाई को झूठ में साबित नहीं होने दूंगा। अगर आपने सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की तो मैं अपने अग्रज भ्राता श्री से ये शिकायत अवश्य करूंगा। मेरा भाई भरतरी ना भीतर फिर किसके संग बतलाई, शर्म ना आई बेहूदे विक्रम देवर अन्याय। मेरा भाई भरतरी ना भीतर फिर किसके संग बतलाई, तन शर्म ना आई बेहूदे विक्रम देवर अन्याय। शर्म ना आई बेहूदे विक्रम देवर अन्याय। बिन खासे बोले महला में नू है बड़ा चल आवे, बिन भाई महला में हो भाभी
किसके संग बतलावे। बिन खासे बोले महला में नूए बड़ा चल आवे। बिन भाई महला में हो भाभी किसके संग बतलावे, किसके संग बतलावे। हुक्म चलावे विक्रम तन्ने बिल्कुल शर्म न आई। मेरा भाई भरत रीना भीतर फिर किसके संग बतलाई। शर्म न आई बेहुदे विक्रम देवर अन्याई। शर्म न आई बेहुदे विक्रम देवर अन्याई। राजकाज का मालिक कोन्या बेमतलब इतरावे। करके चोरी कोतवाल ने उलट डांट लगावे। तो राजकाज का मालिक कोन्या बेमतलब इतरावे। करके चोरी कोतवाल ने उलट डांट लगावे, उलट डांट लगावे। करणी का फल पावे जो तन वीर थाराण जगाई। मेरा भाई भरत रीना भीतर फिर किसके संग बतलाई। तन शर्म न आई बेहुदे विक्रम देवर अन्याई। तन शर्म न आई बेहुदे विक्रम देवर अन्याई। काबी के अधिकार नहीं से मेरा। महल जनाने में आवड़ का के अधिकार से तेरा। महल में आने का भी के अधिकार नहीं से मेरा, अधिकार नहीं से मेरा। बेरा ना जनु विक्रम सर पे कुण सी गर्दिश छाई। मेरा भाई भरत भीतर फिर किसके संग बतलाए। शर्म न आई बेहुदे विक्रम देवर अन्याई। शर्म न आई बेहुदे विक्रम देवर अन्याई। गैर नहीं ओ होश न खोना चाहिए। गैर वीर ते गैर मर्द का ओला होना चाहिए। देवर भाभी गैर नहीं ओ होश न खोना चाहिए, होश न खोना चाहिए। तोड़ा चाहिए ऋषि पाल में के अच्छाई बुराई। मेरा भाई भरत भीतर फिर किसके संग बतलाई। शर्म न आई बेहुदे विक्रम देवर अन्याई। मेरा भाई भरत रीना भीतर फिर किसके संग बतलाई। तन शर्म न आई बेहुदे विक्रम देवर अन्याई। तन शर्म न आई बेहुदे विक्रम देवर अन्याई। सच्चाई को छुपाने के लिए शर्मदार को बेशरम और बेहुदा कह रही हो, बेहद बेशरम भाभी। सच्ची बात कहते में शर्म आ रही होगी ना, मत बताओ। मैं तो अपने भ्राता श्री के पास जा रहा हूँ। जाओ, मेरा कुछ भी बिगड़वा लेना। हाँ हाँ जा रहा हूँ भाभी श्री। हाँ हाँ जाओ। कहाँ से आ रहे हो सेनापति? महल से आ रहा हूँ राजकुमार। जब मैं स्कूल से आने के बाद दरवाजा खटखटा रहा था तो क्या तुम ही बतला रहे थे भाभी जी से? हाँ राजकुमार जी, मैं ही था।
जनाने महल में क्यों गए थे तुम? मुझे रानी ने बुलवाया था राजकुमार। ऐसा क्या काम पड़ गया था रानी का? काम तो कोई खास नहीं था राजकुमार। फिर? महारानी ने राज्य की सुरक्षा में सतर्कता बरतने के लिए कहा था राजकुमार। कैसी सतर्कता? मेरे अधीन राज्य में ड्यूटी देते वक्त कोई सैनिक लापरवाही न बरत पाए। लापरवाही? कैसी लापरवाही? कहीं कोई बाहरी दुश्मन धोखा न कर सके। फिर इस चोरी के रास्ते से क्यों निकल रहे थे? सेनापति का काम पूरे राज्य की सुरक्षा करना होता है राजकुमार। फिर? सोचा था कि आपातकालीन स्थिति में देर सवेर और वक्त बेवक्त दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हर रास्ते का तजुर्बा जरूरी है। बहुत चालू हो गए हो सेनापति। आज के बाद जनाने महल में कभी भूल कर भी मत जाना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? ठीक है राजकुमार। भ्राताश्री प्रणाम। प्रणाम अनुज भ्राता विक्रम। अरे चेहरे पर उदासी और लालमा, क्या बात है भाई? कोई बात नहीं अग्रज भ्राता, कोई बात नहीं है। रोजाना हंसता खेलता आया करता था, कोई ना कोई बात अवश्य है। पता क्या बात है, क्या किसी ने कुछ कह दिया? हाँ। किसने? भाभी श्री ने। पिंगला ने? जी भ्राता श्री। क्या कहा तुम्हारी भाभी ने? भाभी जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। आखिर कुछ तो कहा होगा। भाभी जी ने मुझे बेहया और बेशरम बताया है। क्यों? कहने लायक हो तो बताऊं, बड़े शर्म की बात है भ्राता श्री। बताओ विक्रम बताओ, मुंह पर आई बात रोकनी नहीं चाहिए विक्रम। मैं स्कूल से पढ़कर आ रहा था, मैंने दरवाजा खोलने के लिए भाभी जी को आवाज दी, भाभी जी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। उस वक्त भाभी किसी अजनबी आदमी से बातें कर रही थी। मैंने दोबारा दरवाजा खटखटाया और जोर से आवाज दी, भाभी दरवाजा खोलो। तो अजनबी आदमी ने कहा, महारानी मुझे विक्रम कैसी आवाज लग रही है। लड़कपन जैसी बातें कर रहे हो विक्रम। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ भ्राता श्री। रोते क्यों हो विक्रम? मेरे माता पिता ने मरते दम तक मुझे कभी कुछ नहीं कहा भैया, लेकिन लेकिन क्या? बोलो बोलो विक्रम। भाभी जी ने दरवाजा खोलते ही मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहा। क्या कहा? कहा तुम जनाने महल में कैसे आ गए। अच्छा? हाँ भैया, मैंने सोचा कि अब तो मुझ पर महल में आने जाने की भी पाबंदी लगने लगी है। नहीं, तुम्हें महल में आने जाने से कौन रोक सकता है? अब मेरा कोई नहीं है भैया। मरते समय माता तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर गई थी कि विक्रम को कोई कष्ट ना हो जाए। तुम चिंता ना करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता भैया। बैरे बैरे मेरे लाड करनिया मर गे रे, बैरे मेरे लाड करनिया मर गे। राजपाट का सब तेरे ऊपर धर गे, बैरे मेरे लाड करनिया मर गे। मने सोची मर गे रे, बैरे मेरे
सहारा, मात पिता ने स्वर्ग सिधारा, मन तेरे भरोसे कर गे महारानी। प्रणाम। प्रणाम बांदी। क्या हुआ महारानी, आज तो बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो, क्या बात है? गजब हो गया बांदी। क्या गजब हुआ महारानी? महल में सेनापति मेरे साथ चौपड़ सार खेल रहे थे कि अचानक विक्रम स्कूल से आ गया। फिर विक्रम ने सेनापति की आवाज सुन ली। ए? हाँ बांदी, दरवाजा खोलते ही विक्रम ने कहा महल में दूसरा कौन था। फिर क्या हुआ महारानी? होता क्या, मैंने विक्रम को डांट फटकार कर महल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। महारानी अब कहाँ है राजकुमार विक्रम? जाते जाते ये कहकर गया है कि महाराज भर्तरी से शिकायत करूंगा। राजकुमार महाराज के पास गए हैं? हाँ बांदी, और अवश्य ही विक्रम मेरे बारे में उल्टा सीधा कहकर महाराज को बहकाने की कोशिश करेगा। फिर क्या होना चाहिए महारानी? इसीलिए मैंने तुम्हें याद किया है। आदेश करिए महारानी। विक्रम से सुलटने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए बांदी? आप खुद समझदार हैं महारानी। मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही है बांदी। क्या महारानी? विक्रम को किसी इल्जाम में फंसाया जाए, इसके अलावा इस वक्त बचने का कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा बांदी। किस इल्जाम में फंसाओगी महारानी विक्रम को? नगर सेठ की पुत्र वधू के साथ छेड़खानी का आरोप लगवा दिया जाए। क्या नगर सेठ अपनी बदनामी स्वीकार कर लेंगे महारानी? लालच बड़ी बुरी बला है, लोभ किसी ने नहीं त्यागा। जब उन्हें मनमानी दौलत मिलेगी तो नगर सेठ वो ही करेंगे जो मैं चाहूंगी। मेरे लायक काम बताइए महारानी जो आपके कष्ट में साथ दे सकूं। बांदी अगर वक्त आया तो तुम्हें विक्रम के खिलाफ गवाही देनी होगी। सदैव आपके आदेश का
पालन होगा महारानी। इसके बदले तुम्हें और भी मुंह मांगी रिश्वत मिलेगी बांधी। मैं आपकी दासी हूँ महारानी, और दासी का काम हर पल टहल करने का है। आप जो कहलवाओगी महाराज के सामने मैं वही कहूंगी महारानी। बांदी, तुम पर तो मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है। तुम ऐसा करो, पहरेदार को बुला कर लाओ। जो आज्ञा महारानी। संतरी, महल में तुम्हें महारानी ने याद किया है। ए? महारानी ने याद किया है? हाँ संतरी, शीघ्र ही चलना है। चलिए बांदी। महारानी प्रणाम। प्रणाम संतरी, आओ। कैसे याद किया महारानी? महारानी के आदेश का पालन करोगे? हम तो आपके नौकर हैं। तुम्हें महाराज के सामने खुले दरबार में विक्रम के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होना पड़ेगा, और जिसका तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आपके आदेश का कदापि उल्लंघन नहीं होगा महारानी। ठीक है, वक्त आने दो संतरी। ठीक है महारानी, प्रणाम। प्रणाम। महाराज प्रणाम। प्रणाम बांदी। महारानी पिंगला कहाँ है? महारानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है महाराज। ठीक नहीं है, कहाँ है? महारानी शयन कक्ष में है। शयन कक्ष में है? जी महाराज। क्या हो गया महारानी, आप चुप क्यों हो? अब मैं जीना नहीं चाहती महाराज। क्यों? अपमान की आग ने मुझे खुशियों की जिंदगी जीने से विवश कर दिया है महाराज। अपमान? किसने किया तुम्हारा अपमान? आपका छोटा भाई लाडला विक्रम। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको विश्वास नहीं है तो पूछिए बांदी से, पूछिए संतरी से, और पूछिए अपने ही राज्य के सेनापति से। संतरी? जी महाराज। विक्रम कहाँ है? देखता हूँ महाराज। राजकुमार जी प्रणाम। प्रणाम संतरी, क्या संदेश लाए हो? राजकुमार, आपको महाराज ने याद किया है। भ्राताश्री ने याद किया है? जी राजकुमार। तो चलिए। भ्राताश्री प्रणाम। प्रणाम अनुज। विक्रम, जो हमने सुना है क्या वो सच है? क्या भ्राताश्री? क्या तुमने अपनी भाभी पिंगला के साथ कोई बदतमीजी की? भ्राताश्री, मैंने किसी के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की है। नहीं की? जी भ्राताश्री, बल्कि जो मैंने दरबार में जाकर बताया था वो ही सच और सही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो तुम कह रहे हो सच वो है, या जो तुम्हारी भाभी कह रही है सच वो है। आप राजा हैं, न्याय आपको करना है भ्राताश्री। लगता है भ्राताश्री आप अपने कर्तव्य और सच्चाई से बचना चाहते हैं। नहीं विक्रम। लागे थे तेरे
कान धोखा नहीं खा सकते भ्राताश्री। सच्चाई तो यह है कि पिंगला भाभी को मैंने राज के सेनापति के साथ बातें करते सुना है, और इतना ही नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से सेनापति को महल के पीछे के रास्ते से आता देखा है, जिसका स्वयं सेनापति का भाव है। तुम्हारे मन में यह झूठा भ्रम है विक्रम। भ्राताश्री, कुछ इंसान सच्चाई को भी गुमराह करके अपनी पलके झुका लेते हैं, और कुछ भिक्षुक की दुआओं को भी गलत समझते हैं, तथा कुछ लोगों को चापलूसों की गलतियां सहन करने में भी आनंद आता है। उन्हीं भोले आदमियों में से एक आप हैं। क्या बचपने जैसी बातें करते हो विक्रम। ये गहन चिंतन का विषय है भ्राताश्री। विचार मंथन करके जरा सोचिए, पिंगला की कोख से पैदा होने वाली संतान कहीं क्षत्रिय राजपूतों के सिंहासन को कलंकित न कर दे। खामोश विक्रम, जबान बंद करो। रिश्ते के बीच कुछ तो शर्म का पर्दा कर लिया होता। मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि पिंगला पतव्रता रानी है, और फिर तुम्हें गुरुकुल की पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं होनी चाहिए। तुम पढ़ाई का ध्यान न करके फिजूल की बातों पर ध्यान देने लगे हो। जाओ कमरे में अपनी पढ़ाई करो। ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं रसरंगी है, और ढकले तो सारे कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। इस तोता चशम औरत ने मेरे भोले भाले भ्राता भ्रतरी को कैसे तोते की तरह पढ़ाकर बहकाया है कि भ्राताश्री माँ को दिए वचन भी आज भूल गए हैं। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं। माँ, ओ माँ, तुम मुझे भागे को छोड़कर कहाँ चले गई। माँ, तुम्हारे लर लेनाथ विक्रम का अब कोई सहारा नहीं है। माँ, जिस भाई के हाथ में मेरा हाथ तुम सौंप कर गई थी, आज वो भी स्त्री के मोह में अंधे हो चुके हैं। भाभी श्री मुझ पर इल्जाम लगाती हैं, और भ्राताश्री मुझे बुरी तरह से डांटते हैं। इस राजमहल में इज्जत से रहने का मेरे लिए कोई स्थान नहीं है। माँ, कोई स्थान नहीं है, मुझे भी अपने पास बुला लो। माँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। विक्रम, क्यों रो रहे हो? अपनी बदकिस्मती पर रो रहा हूँ भैया। नहीं, नहीं रो मत। माता पिता मरने के बाद मेरा रोना ही रह गया भैया। इस राजमहल में मेरा कोई नहीं है भैया।
भाभी नहीं है क्या? जो देवर को झूठे इल्जाम में फंसाना चाहती हो वो भाभी नहीं हो सकती, और जो ऐसी स्त्री पर विश्वास करके माँ जाए भाई को पटकारता हो वो भाई नहीं हो सकता भैया। छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते विक्रम, तुम अभी बहुत छोटे हो, व्यर्थ की बातें छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान किया करो और मेरे कहे का गिल्ला मत करो। बड़े भैया भाभी तो माता पिता के समान होते हैं, समझे? अपनी पढ़ाई करो। हाय भगवान, मैं क्या करूं, मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार रही, मुझसे बहुत बड़ा पाप होगा, मुझे विक्रम इस तरह नहीं डांटना चाहिए था। मरते समय मां विक्रम का हाथ मेरे हाथ में देकर गई थी और अंतिम सांसों में मां ने कहा था कि विक्रम के बड़े भाई के होते हुए कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए, ध्यान रखना पुत्र, कष्ट में विक्रम को अपने माता पिता की याद ना आ जाए। आज मां को दिया वचन भी टूट गया है, बड़ा जुल्म हो गया मुझसे। आपके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू? मत पूछो महारानी, मत पूछो, ये आंसू नहीं आत्मा की तड़फन, मैं विवश हो गया हूं। प्रिये, इधर देखूं तो कुआ और उधर देखूं तो खाई। क्या हुआ महाराज? मुझसे अनुज भ्राता विक्रम का दुख सहा ना गया महारानी, सोच भी नहीं पा रहा हूं कि अब मैं क्या करूं। ये तो कोई अफसोस करने की बात नहीं है महाराज। है महारानी है, जब तक विक्रम के मन से गिल्ला दूर नहीं होगा तब तक मेरे हृदय को पीड़ा होती रहेगी। विक्रम को प्यार से समझा क्यों नहीं देते महाराज? मैंने खूब समझाया लेकिन उसके दिल में कोई तसल्ली नहीं हुई, रोता छोड़ करके आया हूँ महारानी कमरे में। रोता? हाँ, अगर हो सके तो उसके मन के मैल को तुम ही दूर करने का प्रयास करो महारानी। मैं ही समझाती हूँ महाराज। विक्रम, छोटी सी बात का बुरा मान गए? भैया भाभी तुम्हारे भले की ही कहते हैं विक्रम, हमारे अलावा तुम्हारा ध्यान करने वाला है भी कौन? पढ़ने की अवस्था है, अभी तुम ना समझ हो, भैया भाभी की डांट फटकार का मलाल मत करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है ना? ठीक है भाभी जी। भ्राता श्री, मैं शिकार खेलने चला जाऊं? शौक से चले जाओ पर सतर्कता बरतना विक्रम। जी भ्राता श्री। महारानी। हाँ संतरी। आज बहुत ही सुनहरी मौका है। क्या? विक्रम शिकार खेलने गया है। तुमने सूचना देकर बहुत ही अच्छा किया है संतरी, आज विक्रम वापस लौटकर नहीं आना चाहिए। जी महारानी। कालिया से कहो कि विक्रम को जंगल में घिरवा कर मरवा दिया जाए, और याद रहे यह राज खुलना नहीं चाहिए। जो आज्ञा महारानी। आओ आओ मेरे हमराह, मेरे हम सफर, मेरी जिंदगी, आओ। शान जगत में कोना नजर पड़ी सैरी, जोबन में भरपूर हूर जन नत की फूल झड़ी सहरी। तेरे जैसी शान जगत में कोना नजर पड़ी सैरी, जोबन में भरपूर हूर जन नत की फूल झड़ी सहरी। जन्म के प्रेमी हम जच री सफरी जिगर मेरी, जी को ना लागे तेरे बिन कर ना पाऊं सबर मेरी। पूर्व जन्म के प्रेमी हम जच री सफरी जिगर मेरी, जी
नहीं को नाला कै तेरे बिन कर ना पाऊं सबर महरी। मन मंदिर में बसी हूर रे, मन मंदिर में बसी हूर जी, वन की एक कड़ी सैरी, जोपन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। तेरे जैसी शान जगत में कोना नजर पड़ी सैरी, जोपन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। तू सोआ मैं एक परी परी, यम भी रूप निरालारी, पूर्ण मासी के चंदासा दिख से उजिया रहारी। तू सोआ मैं एक परी परी, यम भी रूप निरालारी, पूर्ण मासी के चंदासा दिख से उजिया रहारी। चाला सा कटरा काया में, चाला सा कटरा काया सो, रण में कती मंडी सैरी, जोबन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। तेरे जैसी शान जगत में कोना नजर पड़ी सैरी, जोबन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। आवसे आनंद घना गड़ बैया हूर गेर कैरी, सीलक सी पड़ जा मेरे जब देखूं हाथ फेर कैरी। आवसे आनंद घना गड़ बैया हूर गेर कैरी, सीलक सी पड़ जा मेरे जब देखूं हाथ फेर कैरी। मेहर करी के दाता ने लग, मेहर करी के दाता ने लग, आर की एक लड़ी सैरी, जोबन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। तेरे जैसी शान जगत में कोना नजर पड़ी सैरी, जोबन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। बेमाता ने फुर्सत में किसा सोना रूप बनाया री, चमके से ला गया क्या मैं कंचन बरगी कायारी। बेमाता ने फुर्सत में किसा सोना रूप बनाया री, चमके से ला गया क्या मैं कंचन बरगी कायारी। रूप सवाया ऋषि पाल ने, रूप सवाया ऋषि पाल ने, रंगत खूब घड़ी सैरी, जोबन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। तेरे जैसी शान जगत में कोना नजर पड़ी सैरी, जोबन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। जोबन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। जोबन में भरपूर हूर जन, नत की फूल जड़ी सहरी। अपने आप को बेदाग और पतिव्रता कहने वाली निर्लज्ज औरत आज फिर इस नीच और जलील सेनापति की बाहों में सर झुकाए क्यों खड़ी हो? बेहया बेशरम, जवाब दो इस विक्रम को। कमीने, तेरी ये मजाल, मैं तुझे कई मर्तबा समझा चुका था लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आया हरामी, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो विक्रम। भाभी, छोड़ दो सेनापति को। ओहो, ये तो मैं सोच ही नहीं पाया कि इसके पिटने की पीड़ा आपको होगी भाभी श्री। खामोश विक्रम, फालतू बोलने की कोशिश मत करो। अब भी बचने की कोशिश कर रही हो बदसलन भाभी, कितनी ही बार इस निकम में नौकर के साथ मौज मस्तियां करते देख लिया है मैंने तुम्हें।
अकेले में जनाने महल में ये दो कोड़ी का नौकर कैसे आया? विक्रम पर पाबंदी लगाने वाली हराम औरत जवाब दो। इसे मैंने बुलाया है। क्यों बुलाया है? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तुम कौन होते हो ऐसे प्रश्न करने वाले? इस राजमहल का राजकुमार। ये मत भूलो कि राजकुमार से बड़ा और भी कोई होता है। जानता हूँ। अगर तुम जानते हो तो मैं भी राजमहल के राजा की महारानी हूँ। महारानी? महारानी की यही करतूतें होती हैं हराम औरत। मुझ पर हुक्म चलाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है विक्रम। यहाँ जो मैं चाहूंगी वही होगा। और सुनो विक्रम, मेरे किसी कार्य में विघन डालने की कोशिश की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, समझे? लेकिन ऐसी छिछोरी और गंदी हरकतें महल में मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, जिससे राजपूतों की शान को बट्टा लगता हो। अपने आप को राजपूतों की महारानी कहलवा कर एक दो टके के नौकर के साथ आशियाना मौज मस्ती करती हो, तुम्हें कहीं डूब कर मर जाना चाहिए भाभी। हो संभाल कर बात करो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बांदी जी महारानी, शीघ्र संतरी को बुलाओ। अब तो इस विक्रम का कुछ करना ही पड़ेगा। महारानी प्रणाम। प्रणाम संतरी। कैसे याद किया महारानी? अब वक्त आ गया है तुम्हें मेरी मदद करने का। आदेश दीजिए महारानी। जाओ नगर सेठ से कहो कि तुम्हें और तुम्हारी बीवी बच्चों को महारानी ने याद किया है। जो आज्ञा महारानी। सेठ जी प्रणाम। प्रणाम संतरी, आइए, के आदेश लेकर आए हो? महारानी पिंगला ने आपको अपने बाल बच्चों सहित महल में बुलाया है। मारे ते महारानी को के काम पड़ गयो संतरी? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन शीघ्र ही आपको याद किया है। तो चलिए चलिए। महारानी प्रणाम करूं सु। प्रणाम नगर सेठ, आइए। कैसे याद करो महारानी जू? तुमसे एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है। के काम से महारानी? विक्रम के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें तुम्हारी गवाही की जरूरत है। गवाही? के गवाही महारानी? विक्रम को अश्लीलता के इल्जाम में फंसाना चाहते हैं। फिर इसमें मारो के काम से महारानी? तभी तो तुमको बुलवाया है। हमें के करणों से महारानी? तुम्हें कुछ नहीं करना, बल्कि अपनी जुबान से महाराज के सामने दरबार में झूठी गवाही देनी है। के महारानी? तुम्हें कहना है कि विक्रम रोजाना हमारे घर आता जाता है और हमारे पुत्र वधू के साथ अश्लील हरकत करता है। हाय भगवान, प्रलय हो जावेगी, मारे ते ऐसो महापाप और घोर अन्याय क्यों करवाओ सो महारानी? तुम हमारे नगर सेठ हो, एक मामूली सा काम पड़ा तो कानों पे हाथ रखने लगे। तुम अच्छी तरह जानते हो नगर सेठ, मैं इस राज्य की महारानी हूँ, गवाही तो तुमको देनी ही होगी। बोलो क्या चाहिए? कुछ ना महारानी। संतरी जी महारानी। सेठ को उपहार दो। जो आज्ञा महारानी। देख रहे हो? जी महारानी। ऐसे कितने हार तुम्हारी झोली में डाल दिए जाएंगे, गवाही दोगे या नहीं? जी महारानी। अपनी पुत्र वधू को समझा देना नगर सेठ। निश्चिंत रहियो महारानी। महारानी जी प्रणाम। प्रणाम नगर सेठ।